students, welcome to my class. Second class, take out your math book. You need four shapes. Shapes kya hota hai beta? What is the shape? कौन कौन सी शेप्स होती है आपको पता है? आपने रेक्टेंगल शेप्स फर्स्ट में भी आप पढ़ के आए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, राउंड, है ना? आपने देखी होंगी शेप्स, आपने पढ़ी भी है. आज हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर शेप्स. प्लेन शेप्स क्या होती है? प्लेन शेप आपने रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर ये सब तो, बट ये क्या है? फर्स्ट है आपका प्लेन शेप्स. प्लेन शेप में क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल. क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल आर नोन एज प्लेन शेप्स. ये सब क्या कहलाती है? प्लेन शेप्स कहलाती हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई बैक साइड्स होते हैं, ओनली प्लेन ही शेप्स होती हैं. बस रेक्टेंगल, अब जैसे आपकी बुक है, देखिए ये बुक तो देखिए मोटी भी है, ये भी लाइन्स है, ये भी लाइन है, ये भी है, ये भी है, इधर भी टू टाइप्स है, बट रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर तो सिंपल होते हैं. क्लियर? सेकंड है आपका सॉलिड शेप. सॉलिड शेप क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर आर नोन एज सॉलिड शेप. सॉलिड मीन्स क्या होता है? सॉलिड जिसकी मोटाई होती है, जिसमें गहराई डीप होती है, ठीक है ना, जिसकी वॉल्यूम्स होती है. बट ये आपके भी बुक में नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है, ठीक है. प्लेन शेप्स स्क्वायर, फर्स्ट लेंगे अपन स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है बेटा? जिसकी चारों ऑल साइड्स आर इक्वल. क्या होती है इसकी? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल. उसमें फोर वर्टेक्स होते हैं, या आप कॉर्नर बोल दीजिए, आप फोर वर्टेक्स ही बोलेंगे. स्क्वायर भी क्या होता है? इसके फोर वर्टेक्सेस होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में टू साइड्स तो लॉन्ग होती है, टू साइड शॉर्ट्स होती है. तो रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. आमने सामने की जो लाइंस होती है रेक्टेंगल में वो क्या होती है? देखिए ये टू तो लॉन्ग होती है और टू शॉर्ट्स होती है. रेक्टेंगल पे ये लॉन्ग होगी और ये टू शॉर्ट्स हो गई. क्लियर? तो क्या क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट मीन्स आमने सामने की लाइंस. एंड क्या है? इसके फोर भी वर्टेक्स होते हैं, फोर कॉर्नर्स होते हैं. ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टेक्स. वन साइड, टू साइड, थ्री साइड. वन टू थ्री, थ्री साइड्स होती है, थ्री वर्टेक्स होते हैं. सर्कल, अ सर्कल हैज नो साइड्स नो कॉर्नर्स. इसके ना तो साइड्स होती है ना ही कॉर्नर्स होती है. ओवल, ओवल भी प्लेन शेप्स कहलाती है. क्लियर? देखिए ओपन योर बुक पेज नंबर 42 है. द शेप्स वी ऑल नो, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल एंड रेक्टेंगल. इसमें आपको क्या करना है? ट्रायंगल में ब्लू कलर करना है, स्क्वायर में ऑरेंज, रेक्टेंगल में ग्रीन एंड कलर द सर्कल इज रेड एंड ओवल द पर्पल. ये आपके शेप्स जो हैं इसमें आपको कलरिंग करनी है. क्लियर? यस. अब देखिए एक्सरसाइज आपकी 4.1 में है. ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, कितनी कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर. इसकी क्या बताया था मैंने स्क्वायर में? यहाँ से भी आप टू ब्लॉक्स, यहाँ से भी टू ब्लॉक्स स्क्वायर. इसकी फोर साइड्स आर इक्वल. फोर साइड्स होती हैं इसकी और फोर ही कॉर्नर्स होते हैं. ऐसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल का नो साइड्स नो कॉर्नर्स होते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपका स्क्वायर, स्क्वायर में कितने साइड्स है? वन टू थ्री फोर. तो आपको फोर साइड्स फोर कॉर्नर्स. बी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड्स है? थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स है, फोर कॉर्नर्स है.
में नो साइड्स नो कॉर्नर्स, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन करेंगे लाइन। लाइंस क्या होती है? लाइन आपको स्केल से ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि लाइन को आपको कैसे ड्रॉ करना है। टेक आउट योर पेज नंबर 45 एंड स्केल, टेक आउट योर स्केल। यस, सेकंड क्लास देखिए मैंने कहा था आपको स्केल निकालनी है, क्लियर। स्केल निकाल के देखिए जीरो दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से 4 सेंटीमीटर, 4। तो आप 0 पे डॉट लगा दीजिए, 4 पे डॉट लगा दीजिए और स्केल को हटा दीजिए, फिर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए कैसे करना है आपको, ये स्केल रखेंगे हम यहाँ पे, आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। देखिए स्केल को सीधा लगा, आपकी जो बुक में लाइन ड्रॉ करेंगे ना उस पर 0 पे निशान लगा दीजिए, 4 पे निशान लगा दीजिए, फिर इसको हटा दीजिए, फिर स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। ये देखिए इधर तो है सेमी, ये सेमी है, 0 0 के बाद आप फिर 1 2 3 4 5, मैंने कहा 5.5, तो बीच में वाली 5.5 है ना, ये देखिए बीच में भी है 5.2, तो 5 के बाद में 2 लाइन्स, 1 2, यहाँ पे डॉट लगाना आपको, 1 2। मैंने कहा 5.7, तो 5.5 तो ये ना 6 7 2 लगा देंगे। ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच में, ये 5.5 6.5 7.5 8.5 है, मैंने कहा 8.2, तो 8 के बाद में 2 लाइन जो छोटी लाइन है उस पर डॉट लगाना आपको, आया समझ में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस आपकी स्केल को आपको बुक में रखना है और यहाँ पे मैंने कहा 7.5 डॉट लगा दीजिए यहाँ पे, और ये 7.5, और फिर बाद में स्केल को उठा के आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर, और इस तरफ है आपके, देखिए ऊपर तो सेंटीमीटर है, नीचे इंच, 6 इंच तक की स्केल है आपके, इसमें ये इंच दिए हुए होते हैं, बट आपको सेंटीमीटर ही काम में आते हैं, ये सेंटीमीटर ही यूज करना है आपको, ओके। यस, नेक्स्ट है आपका देखिए लाइंस, आपके लाइंस दी हुई बुक में पेज नंबर 46, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। देखिए बोर्ड पे कैसे करना है आपको, मैं रफ कर देती हूँ। यस, ये जो लाइन है आपकी स्वीपिंग लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। और ये स्वीपिंग लाइन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो स्टैंडिंग लाइन है इसको बोलेंगे वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। और एक तिरछी लाइन और होती है, इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, क्या बोलते हैं इसको, स्लैंटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। कर्सिव में लिखते हैं ना, स्लैंटिंग में ही कर्व बना के लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं उसको बोलते हैं स्लैंटिंग कर्सिव, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकल एंड तिरछी लाइन को बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। बेटा मैं आपको सॉलिड शेप्स के बारे में बता रही थी, यस, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, इन सबकी डिफाइंस भी होती है बट ये आपके कोर्स में नहीं है। देखिए क्यूब, क्यूब के एग्जाम्पल बताऊँ आपको, आप डाइस खेलते हो, आप स्नैक एंड लैडर खेलते हो, डाइस होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं उसके, है ना, 6 साइड्स होती है और 12 वर्टेक्सेस होते हैं उसमें। क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्सेस, इसमें क्या होता है क्यूबॉइड में भी इन सबकी डिफाइंस होती है, बट आपको इसका एग्जाम्पल समझना है। अलमीरा जो होती है आपके घर में, आपकी बुक, ये बुक भी है ना क्यूबॉइड शेप में है, बुक, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब क्यूबॉइड शेप में है। कोण, कोण के, कोण
होता है कोन, आइसिंग कोन देखा ना हमने, और ये टू फेसेस वन वर्टेक्स, अ कोन हैज टू फेसेस वन वर्टेक्स नो एजेस। अब एजेस क्या होता है ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। सिलेंडर, गैस सिलेंडर देखा ना आपने, ये होता है सिलेंडर, वन टू थ्री फेसेस होते हैं, टू एजेस आते हैं और नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं दिख रहा ना आपको, जैसे ट्यूबलाइट, गैस सिलेंडर, ये सब इसके एग्जांपल है। स्फीयर देखिए सर्कल के जैसे ही होता है स्फीयर, बट इसमें थोड़ा सा क्या होता है बॉल, इसमें थोड़ा सा बॉल कापर सा होता है, सर्कल तो एकदम राउंड होता है, बैंगल्स आपके एकदम राउंड है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में भी पैचेस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसको बोलते हैं स्फीयर। समतल नहीं होता ये, फ्लैट नहीं होता, प्लेन नहीं होता स्फीयर। इसके एग्जाम्पल है सन मून बॉल। क्लियर, ये है आपके सारे सॉलिड शेप से ही आपके आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे, बट थोड़ा सा मैंने इनके बारे में आपको बताया है। ओके चलिए अभी लाइन्स हो रही थी अपनी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, इनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। ठीक है, मैं इसका आपको पीडीएफ भेजूंगी, इन सबकी आपको डिफाइंस राइट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।